हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर देना। जिन्होंने कर दिया, थैंक यू सो मच। तो आज के मेरे टास्क ये हैं, जिसमें मेरे को करना है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की एनसीईआरटी रीडिंग, रे ऑप्टिक्स का लेक्चर 1 एंड 2, एंड टेस्ट देना है मेरे को एक। ये टेस्ट एक आकाश टेस्ट सीरीज का है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। तो पहले स्टार्ट करते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की रीडिंग, एनसीईआरटी रीडिंग। मैंने इसका नोट्स का पूरा अच्छी तरीके से रिविजन मैं कर चुकी हूँ। नोट्स प्लांट फिजियोलॉजी के सारे नोट्स मैंने तरुण सर के लेक्चर्स देख के, पिछले यकीन के लेक्चर्स देख के बना रखे हैं। तो फिर वो सारे नोट्स मैंने बना रखे, और फिर मैंने इसका रिवीजन भी कर लिया था नोट्स का, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, और एनसीईआरटी रीडिंग बची थी। तो इसलिए अब मैं इसकी एनसीईआरटी रीडिंग कर रही हूँ, और ये चैप्टर जो है, जो मैं आज टेस्ट देने वाली हूँ, उसके सिलेबस में है। तो इसलिए मैं इसको भी अभी रिवाइज कर रही हूँ। और फिर मेरा यही चैप्टर एक बच रहा था प्लांट फिजियोलॉजी से, जिसका रिवीजन मैंने नहीं किया था, मतलब एक दो बार पहले किया था, अभी नहीं किया था। तो फिर इसलिए मेरा ये भी चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद फिर मैं वो टेस्ट दूंगी, तो उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो कर लिए मैंने एनसीईआरटी रीडिंग इस चैप्टर की, और कंप्लीट हो गया है मेरा ये चैप्टर भी। और अब मैं दूंगी टेस्ट, और ये टेस्ट जो है वो आकाश की टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट है। और टेस्ट का प्रिंट आउट मैंने निकाल लिया है, ओएमआर भी मैंने साइड में रख ली है, ओएमआर मैं फिल करूंगी, एंड टाइमर भी मैंने सेट कर लिया है। तो सारी चीज़ें मैंने अच्छी तरीके से अरेंज कर ली है। अब मैं स्टार्ट करूंगी इस टेस्ट को देना, और ये टेस्ट मैं OMR पे ही दे रही हूँ। मैं सारे टेस्ट अब OMR पे दे रही हूँ, बिकॉज इस टाइम पे OMR प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग भी अभी नहीं देने लगे हो, तो प्लीज़ देना स्टार्ट करो OMR पे टेस्ट, ताकि आपको OMR फिल करनी अच्छी तरीके से आ जाए, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो मैं भी दे रही हूँ, तो दो टेस्ट में, मतलब मैं एक टेस्ट पहले दे चुकी हूँ, मेरा दूसरा टेस्ट है, और इसके बाद मैं एक और टेस्ट दूंगी। तो मैं एक वीक में अब 3 टेस्ट का टारगेट मैं करने वाली हूँ, कि एक वीक में मैं 3 टेस्ट दूंगी। आपको बता देती हूँ इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में। तो आकाश की टेस्ट सीरीज़ है, ड्रोपर बैच की, आरएम बैच की टेस्ट सीरीज़ है। ये फेज़ 2 का टेस्ट है, उसमें काफ़ी सारे फेज़ है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। ये फेज़ 2 का टेस्ट है, और टेस्ट ये 6 है। और मेरे को ये टेस्ट सीरीज़ कहाँ से मिली? तो ये टेस्ट सीरीज़ मैंने परचेज़ नहीं की है कोई भी किसी भी साइट से, मैंने इसको परचेज़ नहीं किया है। ये टेस्ट सीरीज़ मुझे टेलीग्राम चैनल पर मिली है, और वहाँ पर आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हो। आकाश के सारे टेस्ट वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बताया भी है उसके बारे में, और मैं स्क्रीन पे उन 2 टेलीग्राम चैनल्स का नाम लिख दूंगी। अगर आपको देखना है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, टेस्ट भी दे सकते हो अगर आप चाहो तो। और मेरा पूरा टेस्ट ये कंप्लीट हो गया है, और मैंने इसमें OMR भी फिल कर दी है। जितने क्वेश्चंस आते थे मैंने कर लिए हैं, जो नहीं आते थे मैंने छोड़ दिए। और मेरे को इस टेस्ट को करने में 2 आवर 46 मिनट्स का टाइम लगा है, और उसके बाद फिर मैंने इस टेस्ट को चेक किया, और मैंने इस टेस्ट को चेक OMR से नहीं किया, क्योंकि OMR से फिर बहुत गलती होने के चांसेस होते हैं चेक करने में। इसलिए मैंने इसको टेस्ट में ही चेक कर दिया, ताकि मैं इजीली इसका एनालिसिस भी कर सकूं। तो पूरा टेस्ट मैंने चेक कर दिया है, कुछ क्वेश्चंस नहीं आते थे, कुछ आते थे। मेरे मार्क्स इसमें 600 आए हैं, बहुत कम मार्क्स आए हैं, क्योंकि ये टेस्ट बहुत थोड़े डिफिकल्ट लेवल पे था, क्योंकि उसमें बहुत अंदर तक के बहुत सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे। और मेरा भी टेस्ट कंप्लीट हो गया है, और अब मेरे को करना है रे ऑप्टिक्स का लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। तो पहले स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1 से, लेकिन आज मैं टेस्ट एनालिसिस भी आप लोगों को करके दिखाऊंगी। अब तक मैं टेस्ट एनालिसिस दूसरे तरीके से करती थी, आज मैं जिस तरीके से करूँगी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी इस वीडियो में आगे। और उसके बाद फिर मैंने एक कॉफ़ी पी, और उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया रे ऑप्टिक्स से। रे ऑप्टिक्स में मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, लेक्चर 1 मैंने स्टार्ट किया था, तो इतना लेक्चर मैं कर चुकी हूँ। उसके आगे का मुझे करना है रे ऑप्टिक्स में लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 का आज का मेरा टारगेट है। बट आई थिंक लेक्चर 1 ही हो पाएगा, लेक्चर 2 नहीं हो पाएगा। तो रे ऑप्टिक्स के मैंने नोट्स बना रखे हैं, और बहुत सारे इसमें लेक्चर्स हैं, लेकिन मैं सारे कंप्लीट करूँगी धीरे धीरे। लेकिन साथ साथ मैं रिवीजन भी कर रही हूँ फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, और टेस्ट भी दे रही हूँ। टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक टेस्ट मैं दे चुकी हूँ AITS, जो कि आप लोगों ने देखा होगा, और दूसरा मैंने आज दिया है, और एक और मेरे को टेस्ट देना है, उसका भी अगर मैं वीडियो बनाऊंगी तो फिर मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगी। जो मैंने आज टेस्ट दिया उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, और फिजिक्स मेरे को थोड़ी डिफिकल्ट वहाँ पे लगी। वहाँ पे कुछ डिलीटेड पोर्शन से भी क्वेश्चन थे, जैसे कि डैम्प्ड ऑसिलेशन से था, और आई थिंक डॉपलर इफेक्ट भी कट गया, तो डॉपलर इफेक्ट से भी था। तो वहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, और उन सब का एनालिसिस भी मैं आज करने वाली हूँ। तो अभी कंप्लीट हो गया है मेरा ये पूरा लेक्चर, रे ऑप्टिक्स का लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया है। लेक्चर 2 भी मेरे को स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले मैं करूँगी टेस्ट का एनालिसिस। तो ये मेरा टेस्ट है, जिसमें मार्क्स 600 आए हैं, मैंने आपको दिखा दिया, मैंने पूरा टेस्ट चेक कर दिया है। तो ये मेरी टेस्ट के लिए मिस्टेक नोटबुक मैंने बनाई है, और इसमें FPS 6 है, ये फेज 2 है, और मैंने टेस्ट का पूरा सिलेबस इसमें मेंशन कर दिया। ओके, सो मैंने टेस्ट को एनालाइज कर लिया है पूरा अच्छी तरीके
तरीके से और स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। तो फिजिक्स में ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये कुछ क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए थे, कुछ मैंने स्किप कर दिए थे, और कुछ जो सेक्शन बी में से 5 क्वेश्चंस जो हम नहीं करते हैं वो भी मैंने यहाँ पे कर दिए हैं अच्छी तरीके से। और यहाँ पे मैंने एक पेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया, बीच में मैंने स्केल से लाइन ड्रॉ कर दिया, और उसके बाद फिर मैंने 2 पार्ट में यहाँ पे लिख दिया है। पहले फिजिक्स का लिखा है, फिर मैंने केमिस्ट्री का लिखा है। बायो में मेरे क्वेश्चंस गलत नहीं थे, एक क्वेश्चन मैंने बॉटनी में स्किप किया था और बाकी क्वेश्चंस मेरे गलत नहीं थे। तो ये मैं ऐसे टेस्ट को एनालाइज करती हूँ अपने को, और हो गया मेरा एनालिसिस ऑफ टेस्ट। और ऑप्टिक्स का लेक्चर 2 नहीं करने वाली हूँ आज मैं, क्योंकि इतना ही हो पाया मुझसे। और टेस्ट में एनालाइज हमेशा ऐसे नहीं करती हूँ, टेस्ट में ही मतलब उस प्रिंट आउट में ही कर देती हूँ जो भी मेरे को पॉइंट्स ऐड करने होते हैं, लेकिन इस बार मैंने ऐसे नोटबुक में किया है। आप लोग भी चाहो तो कर सकते हो। और अब मैं सारे टेस्ट को नोटबुक में एनालाइज करूँगी, और एक वीक में मैं 3 टेस्ट का टारगेट सेट कर रही हूँ अपना। और आप लोग कितने टेस्ट दे रहे हो वो भी आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं।